हेलो एवरीवन वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट तो हमारे स्पेशल संडे सेशन में हम लोग क्लास ट्वेल्व के वेरियस सब्जेक्ट के एमसीक्यू आज कवर करेंगे जिसमें हम लोग हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम अलग अलग मीडियम में आपके एमसीक्यू कवरेज यहां पे करने वाले हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर वॉचिंग द वीडियो शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स विद ऑल योर क्लासमेट सो दैट ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके पहुँच सके और ये कंटिन्यूटी में रह सके आई वॉन्ट टू कंटिन्यू दिस वीडियो आई वॉन्ट टू मेक एज मेनी वीडियोज़ एज आई कैन आई वॉन्ट टू मेक मल्टीपल मतलब क्वेश्चन जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हम कर सकते हैं मैं चाहती हूँ पचास साठ सत्तर सौ क्वेश्चन यही करके जाए सो दैट एग्जाम में एक भी क्वेश्चन हमें अनफेमिलियर ना लगे सारे क्वेश्चन हमें फेमिलियर से लगे ट्रस्ट में आप दो तीन चैप्टर की वीडियो देखिए हर सब्जेक्ट की आपको ये चीज आपको थोड़ा सा खुद पे कॉन्फिडेंस आने लगेगा जो भी आपने स्कूल में टेस्ट देंगे उसको लेके क्लियर तो यहां पे हम लोग ऑलरेडी पार्ट वन पार्ट टू कर चुके हैं मनी बैंकिंग का सो दिस इज पार्ट थ्री ऑफ मनी एंड बैंकिंग जिसमें हम इसको कंप्लीट कर लेंगे जितने भी हमारे इन टोटल क्वेश्चन है एक अनसोल्व पीडीएफ पहले आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे देन एक दिन के अंदर अंदर मैं आपको सोल्व पीडीएफ भी इसकी प्रोवाइड करा दूंगी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तक हम कर चुके हैं थर्टी फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो डैश इज द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ एन इकोनॉमी इन डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट कंट्रोल सेंट्रल बैंक यानी जो आपका आर है वो क्रेडिट कंट्रोल के लिए कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करता है जिन बच्चों को आंसर पता है उन्होंने अपने माइंड में ऑलरेडी आंसर दे दिया होगा बट आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट मच टाइम दैट्स वाई इस तरीके से हम लोग ये कर रहे हैं अदरवाइज लाइव फॉर्म में भी हम कर सकते हैं पी पी टी रख के लाइव फॉर्मेट में भी हमें क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर सकती हूँ बट आई थिंक इससे आपका टाइम भी सेव होगा कम समय में आप लोग ज्यादा वीडियो कर पाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है मोनेट्री पॉलिसी क्या आंसर है इसका मोनिट्री पॉलिसी वो पॉलिसी है जो आर बी आई यूज करता है जिससे वो क्रेडिट कंट्रोल कर सके मोनिट्री पॉलिसी में वो क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर अडॉप्ट करता है क्वांटिटेटिव में rate, CRR, SLR, में बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन और क्वालिटेटिव आपके मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गए मोरल हो गया कोटा हो गया ये सब चीजें यूज करके वो मार्केट में पैसा ज्यादा ना जाए और कम भी ना जाए मतलब कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों ही सिचुएशन आरबीआई कंट्रोल करने की कोशिश करता है सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं डैश इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी विच कमर्शियल बैंक मिनिमम परसेंटेज जो भी हर डिपॉजिट आ रहा है उसकी जो की कमर्शियल बैंक अपने पास रखते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं देखो सिंपल सी बात है फॉर एग्जाम्पल आपके कोई रिलेटिव आए घर पे मिलने बुआ चाचा मामा कोई भी मौसी आपको आके पैसे देके चले गए दो हजार का एक नोट अब दो हजार के एक नोट पे आपकी भी नजर है कि भाई दो हजार रुपए मिल गए वही मम्मी भी देख रहे हैं कि भाई आपके हाथ में इतने सारे पैसे ठीक है तो अब आपने क्या करा आपको भी पता है इतने खर्च ऐसे तो डायरेक्टली नहीं हो रहे हैं हम एक काम करते हैं ये पैसे मम्मी के पास अभी रखवा देते हैं फॉर द टाइम भी और मम्मी से पांच सौ रुपए ले लेते हैं पांच 500 तो हम अभी खर्च कर लेंगे बाकी जरूरत पड़ने पर मम्मी से मांग लेंगे बचे हुए पैसों में से. ठीक है तो 2000 आपने मम्मी के पास रखवाया और 500 अभी ले लिए कि मैं अभी खर्च करूंगा अब आपने जो 500 लिए उसमें से भी आपने पूरे खर्च नहीं किए आपने सोचा बचा लेते हैं लिमिटेड पैसे खर्च कर लेते हैं इसमें से कुछ अपने पास भी बचा लेते हैं तो देखो कुछ पैसा आपने अपने पास बचाया और कुछ पैसा जरूरत पड़ने पर आप मम्मी से मांगोगे इसलिए आपने मम्मी के पास रखा तो यहाँ पे जो आपकी मम्मी है ना वो सेंट्रल बैंक हो गई और आप लोग हो गए कमर्शियल बैंक तो कमर्शियल बैंक हर डिपॉजिट का जो लोग पैसे जमा कराते हैं उनका कुछ पैसा अपने पास भी रखते हैं और कुछ पैसा वो लोग सेंट्रल बैंक के पास भी रखवाते हैं बिकॉज जरूरत पड़ने वो लो वो लोग पैसा किससे मांगने जाते हैं सेंट्रल बैंक से तो जो पैसा सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं वो लोग जो पैसा सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं उसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो क्या बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो सी से सेंट्रल सी से कैश तो कैश रिजर्व रेशियो और जो पैसा खुद के पास रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं स्टैचुचरी एस एल आर बोलते हैं एस एल आर लिक्विडिटी रेशियो स्टैचुचरी लिक्विडिटी रेशियो वो पैसा हर डिपॉजिट का मिनिमम अमाउंट जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इंक्रीज थर्टी सेवन आई होप क्लियर हो रहे होंगे क्वेश्चन टू इंक्रीज मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी बैंक रेट शुड बी इंक्रीज सही बात है या गलत बात है आपको अगर मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ानी है लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा करना है तो आरबीआई ये टूल्स यूज करता है ना तो वो पूछ रहा है कि जो आपका बैंक रेट होता है जिस पे एक सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक को मतलब आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक को लोन देता है वो क्या कहलाता है बैंक रेट अब देखो सिंपल सी कहानी दिखाओ पहले मैं आपको हजार रुपए लोन दे रही थी और आपसे टेन परसेंट रेट चार्ज कर रही थी इंटरेस्ट का तो मतलब इसका टेन हो गया सौ आपके पास सौ देने के बाद कितने रुपए बचे नौ मार्केट में कितने जा रहे हैं 900 लेकिन मैं कह रही हूं कि नौ सौ ना मार्केट में ना कम, जो है कम जा रहे हैं मुझे इसको बढ़ाना है मुझे ये मनी सप्लाई बढ़ानी है तो कहा जाएगा कि आपने जो ये 10 परसेंट रेट रखा था ना आरबीआई ने लोन का इसको कम कर दो यार 5 परसेंट ले लो लोगों से आप हजार का ठीक है चलो दस था आप अब हजार का पांच ले लो लोगों से यानी पचास ले लो सो दैट मार्केट में लोन देने के लिए कमर्शियल बैंक के पास साढ़े बच जाए तो साढ़े नौ सौ इंक्रीज हो गई ना मनी सप्लाई तो वो क्या कह रहा है देखो आपने क्या करा आपने दस का इसको कितना परसेंट करा पांच परसेंट तब जाके ये नौ सौ से साढ़े नौ सौ हुआ आप पढ़ना जरा क्या बोल रहे हैं और इसका उल्टा हो जाएगा अगर आपको मनी सप्लाई कम करनी है तो आप जितना रेट है उससे इंक्रीज करके लिख दो ताकि मार्केट में पैसा कम जाए तो टू इंक्रीज द मनी सप्लाई या टू कंट्रोल द डिफ्लेशन मनी सप्लाई बढ़ानी है क्योंकि लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं डिमांड नहीं कर रहे हैं मतलब डिफ्लेशन का टाइम चल रहा है तो so, आपको मार्केट में पैसा ज्यादा इंजेक्ट करना है ज्यादा डालना है तो so, क्या करोगे बैंक रेट को इंक्रीज करोगे ये बोला है इन्होंने तो so, बिल्कुल गलत बात है फॉल्स हमने तो देखा हम क्या करेंगे बैंक रेट को डिक्रीज करेंगे सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग यहाँ पे क्या किया जाएगा यहाँ पे इसको किया जाएगा डिक्रीज आई होप समझ में आया होगा मैंने विद एग्जाम्पल समझाने की यहाँ पे आपको कोशिश की है नेक्स्ट द कॉइन थर्टी एथ क्वेश्चन नंबर द कॉइन एंड रुपी वन नोट आर इशूड बाय आरबीआई करेक्ट करो देखो सिंपल सी बात जब उसने बोला करेक्ट करो तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये तो फिक्स हो गई आपके जो क्वेश्चन आएंगे ना एमसीक्यू सी क्यू फिलअप करेक्ट इन करेक्ट वन वर्ड रीजनिंग असर्शन इन सबको मिक्स करके आएंगे तो आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड द कंटेंट इन ईच एंड एवरी फॉर्मेट हर तरीके से मैं क्वेश्चन देने की कोशिश कर रही हूं आपको ठीक है यहां पे बोला गया है कि द कॉइंस इन वन रूपी नोट आर इशूड बाय आरबीआई तो गलत है तो अभी इसे सही कर दो भैया ठीक है गलत ही है क्योंकि आरबीआई इशू करती ही नहीं है कॉइंस और एक बाकी सारे नोट इशू का राइट किसको है आरबीआई को बट कॉइन और वन रूपी के नोट जो है वो किसके थ्रू किसके सर्कुलेशन में आते हैं कौन इशू करता है वो इशू करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लियर क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन देखते हैं द सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ डैश टू बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मतलब जो सेंट्रल हमारा जो बैंक है आरबीआई वो बैंक के लिए और आपके जो गवर्नमेंट है उनके लिए क्या काम करता है तो अगर आपने फंक्शन ऑफ आरबीआई पढ़े हैं आपने देखा होगा नोट इश्यू करने का सोल राइट right होता है लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता है आखिरी पर्सन अंतिम देता जिससे आप लोन ले सकते हो ठीक है इसके अलावा ये जो होता है आपका क्रेडिट कंट्रोल करने का काम करता है इसके अलावा ये बैंकर्स का बैंक होता है और ये गवर्नमेंट का बैंक होता है तो ये बैंक और गवर्नमेंट के लिए किसका काम करके चलता है एक्ट एज अ बैंक टू बोथ गवर्नमेंट के लिए भी बैंक का काम करता है और आपके जो कमर्शियल बैंक्स है उनके लिए भी बैंक का काम करता है जरूरत पड़ने पे पैसे देना इनके बिहाफ में पेमेंट कर देना इन्हें फाइनेंशियल एडवाइस देना ये सब काम कौन करके चलता है आरबीआई करके चलता है क्वेश्चन क्वेश्चन देखते हैं कह रहा है इफ देखो मैं कुछ फिक्स नहीं बोल रही कि हर चैप्टर के दस क्वेश्चन क्वेश्चन जो लोग आपको बोल रहे हैं ना बेटा आपको एक मिनट की वीडियो दे दी ठीक है और उसमें आपको क्वेश्चन करा दी और आपका मनी बैंकिंग हो गया मतलब वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी आपको आप देखोगे कि सब तरीके के क्वेश्चन नहीं मिल पाएंगे हर तरीके की क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी तो वही फ्लॉज को एनालाइज करके मैं यहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रही हूँ आई होप ये आप लोगों की हेल्प करेगी चीजें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इफ योर इनिशियल डिपॉजिट इज रुपीज वन थाउजेंड भाई आपने बैंक का इनिशियल डिपॉजिट है और जो बैंक का एल आर आर प्रोसेस से क्वेश्चन है बेटा तो आपका टोटल क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा बच्चे सोचेंगे वन मार्क्स में आना यार वन मार्क्स में क्रेडिट क्रिएशन कैसे दे सकता है मनी बैंकिंग से देगा ही नहीं क्वेश्चन दे सकता है पूछेगा कि आपका क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस किन दो बातों पे डिपेंड करता है तो दो बातों पे डिपेंड करता है इनिशियल डिपॉजिट पे और एलआरआर टोटल डिपॉजिट जो कि कमर्शियल अब देखो दिमाग मतलब कहां वो आपका आपके के साथ खेलेगा ध्यान से सुनना व्हेन ही इज आस्किंग द टोटल डिपॉजिट दैट एवरी कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक हैव इन टोटल जो सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक ने टोटली अपने डिपॉजिट कुछ -कुछ आपका सी आर आर जो दोनों जगह मिला के रखा है ना टोटल डिपॉजिट कमर्शियल बैंक ने वो हो जाता है आपका एल ये आंसर करना होगा ऑप्शन में तीनों होंगे बिल्कुल सिमिलर से लग रहा है कुछ अंतर ही नहीं लग रहा है ठीक है तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है वाइजली क्वेश्चन पढ़ना है क्रेडिट क्रिएशन कितना हुआ देखो फॉर्मुले से आता है फॉर्मुला क्या होता है क्रेडिट क्रिएशन का इनिशियल डिपॉजिट डायरेक्ट आंसर आना चाहिए एग्जाम में फॉर्मुला नहीं लिखना होगा वैल्यू बतानी होगी और ऑप्शन होगा तो टिक करनी होगी तो राफ में खुद कैलकुलेट करोगे वन थाउजेंड इंटू वन ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट यानी कि वन थाउजेंड तो 10, मल्टीप्लाई करूंगी तो टोटल आ गया फाइव थाउजेंड तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितने का हुआ पांच हजार रुपए का हुआ विद इन मतलब वेरी लो टाइम क्वेश्चन हो जाएगा मैंने समझाना इसलिए फॉर्मुला लिख के दिखाया एग्जाम में आपको आता होगा आपको फॉर्मुला लिखने की जरूरत नहीं है अब हमारे पास आ गया है फोर्टी वन क्वेश्चन फोर्टी वन क्वेश्चन कह रहे ध्यान से पढ़ते हैं जल्दी पढ़ते हैं इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत कम हो गई है एज हेड ऑफ आरबीआई भैया मैंने आपको आरबीआई का हेड बना दिया बिना कुछ करे आपको कोई एग्जाम एग्जाम नहीं देना पड़ा देखो आप क्या बन गए हो आप बन गए हो आरबीआई के हेड तो आप कौन से स्टेप्स को करेक्ट करने के लिए अब अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर सही कर पा रहे हो देखो तो आप में कैपेबिलिटी है कि आप आरबीआई में क्या कर सकते हो आरबीआई में आगे जाके जॉब ले सकते हो ऑल दो तो बहुत मुश्किल एग्जाम होते हैं अच्छे से तैयारी करोगे तो बिल्कुल ले सकते हो तो आपके सामने ऑप्शन है क्या रिड्यूस करना है बैंक रेट रिड्यूस करोगे अपनी सिक्योरिटी ओपन मार्केट में सेल करोगे इंक्रीज करोगे सीआरआर या फिर एसएलआर को रिड्यूस करोगे जल्दी से अगर मैं बताऊं ना तो जब इकोनॉमी डाउन चल रही होती है डिफ्लेशन चल रहा होता है मार्केट में पैसा ऐड करना होता है ना तो आपके जितने अभी मैंने आपको बैंक रेट समझाया था ना

बेटा मुझे आपको पैसा देना है तो मैं आपसे कोई सामान क्या करूंगी आपसे कोई सामान परचेज करूंगी तभी तो आपके हाथ में पैसा जाएगा मैंने आपसे वो सिक्योरिटी नाम के पेपर ले लिए मतलब वो सिक्योरिटी ले ली एक तरीके से और आपको पैसा दे दिया तो मुझे यही करना है कि इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं है डिमांड नहीं है आपके हाथ तक पैसा पहुंचाना है तो पैसा इन सब केसेस में पहुंचता है तो ये सब केसेस कहाँ कहाँ मिल रहे हैं देखो रिड्यूस बैंक रेट बैंक रेट रिड्यूस करना है सही बात है सेल ऑफ सिक्योरिटी नहीं जी बिल्कुल नहीं परचेज करना पड़ेगा मुझे तो इंक्रीज सी आर आर डिक्रीज करना है इंक्रीज से तो पैसा और कम पहुंचेगा रिड्यूज एस एल आर बिल्कुल रिड्यूज करनी है तो हमारे ए और डी बात आपने सही बोली है तो ये ए और डी हमें ऑप्शन में मिल रहे हैं अगर हम देखें डायरेक्टली तो ये रहा हमारा करेक्ट ऑप्शन क्लियर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू की ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ट्रू और फॉल्स बताना है देखो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का मेजर जो काम होता है ना मेजर अगर मैं वर्क बोलू वो आपके डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और आपको लोन देता है इसके अलावा कमर्शियल बैंक बहुत काम कर रहे हैं सेंट्रल बैंक बहुत काम कर रहे हैं एड एंड एडवाइस बहुत सारे काम कर रहे हैं बट यहाँ बोल रहा है कि सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं तो ये स्टेटमेंट हो जाती है बेटा गलत क्योंकि सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जरूरी नहीं है आपको लोन लेने और देने का काम करेंगे हाँ सारे बैंकिंग फाइनेंस है क्योंकि बैंकिंग तो पैसों में लेन कर ही रही है लोन देना ये सब करना बट कुछ फाइनेंस जो है वो इन्वेस्टिंग के टिप्स दे सकते हैं तो सारे फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बैंकिंग नहीं हो सकते सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग अगर आपसे पूछे कि सही करके लिखो या रीजन बताओ बिकॉज ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डू नॉट परफॉर्म द वर्क ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डू नॉट परफॉर्म द वर्क ऑफ ये क्या नहीं करते डू नॉट परफॉर्म द वर्क ऑफ क्या काम नहीं करते एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो डिपोजिट एक्से करते हैं एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन और आपको लोन भी नहीं देते हैं क्लियर आई एम ट्राइंग इसी वीडियो में खत्म कर दू ना ये जब बहुत ज्यादा भी नहीं बचे हैं इसलिए थोड़ी लेंथ लंबी हो सकती है हो गया थ्री की बात करते हैं सी आर आर एंड एस एल आर आर फिक्सड बाई द कमर्शियल बैंक तो ये ये भी बहुत confusing question नहीं है, 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 जो जो होते हैं, उन्हें करता है। ये सब जो rate है, वो RBI decide करता सब वो और मतलब तीन तीन महीने के गैप में क्वार्टरली है इस रेट को रिवाइज करता है फिर फोर्टी फोर क्वेश्चन आता है परचेज ऑफ सिक्योरिटी इन एन ओपन मार्केट बाय कमर्शियल बैंक रिड्यूज क्रेडिट क्रिएशन पावर अगर आप क्या कर रहे हो सिक्योरिटी परचेस कर रहे हो तो जो कमर्शियल बैंक है उनकी क्रेडिट क्रिएशन पावर कम होती है यानी कि पैसा कम बनता है यहां आ जाओ एक बार दोबारा से मैंने आपको क्या बताया मार्केट में पैसा ज्यादा करना है तो आपको सिक्योरिटी क्या करनी पड़ेगी परचेस परचेस करोगे तो लोगों के हाथ में पैसा जाएगा पब्लिक के हाथ में मैं कमर्शियल बैंक मैंने आपसे सामान परचेज कर लिया सिक्योरिटी परचेस कर ली अब आपके हाथ में पैसा है नाउ यू कैन डिमांड अब आप चीजें खरीद सकते हो आप डिमांड करोगे तो इससे तो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस इंक्रीज हुआ ना मार्केट में मनी इंक्रीज हुई ना तो यहां पे वो क्या कह रहा है कि सिक्योरिटी परचेज करने पे कमर्शियल बैंक जो है उनका क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस पावर जो है वो कम हो जाता है गलत बोल रहे हो भैया रिड्यूस नहीं होता है बल्कि क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है अब इसी को वो करेक्ट फॉर्मेट में भी दे सकता था रीजनिंग असर्शन में भी दे सकता था मैं रीजनिंग असर्शन की सेपरेट एक अलग से आप लोगों के लिए वो चलाऊंगी प्लेलिस्ट क्रिएट करूंगी सेपरेट वीडियो सेशन के लिए चलाऊंगी रीजनिंग असर्शन अलग से हर चैप्टर के प्रैक्टिस करेंगे कि मनी एंड बैंकिंग के रीजनिंग असर्शन गवर्नमेंट बजट के रीजनिंग असर्शन ट्रस्ट बहुत बेनिफिशियल रहेंगे आप लोगों के लिए हम लोग करके चलेंगे रीजनिंग असर्शन के क्वेश्चन ठीक है अभी यहाँ पे वन और uh, सारे वन मार्क अलग कर लेते हैं रीजनिंग असर्शन बिल्कुल अलग से ही हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आरबीआई एक्ट एज अ बैंक टू सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर और एज कमर्शियल बैंक एक्ट एज अ बैंक टू द स्टेट गवर्नमेंट हमने तो भी पढ़ा था आर ही दोनों मतलब गवर्नमेंट के लिए भी और आपके बैंक्स के लिए सबके लिए ही काम करता है तो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो आर ही दोनों के लिए एज अ बैंक काम करता है कमर्शियल बैंक ऐसा नहीं है कि स्टेट की पावर हम कमर्शियल बैंक को दे देंगे तो गलत बात हो गई है ठीक है यहाँ तक हमें क्लियर हो रहे हैं आई थिंक क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा होगा चीजें समझ में आ रही होंगी आगे मूव करते हैं फोर्टी सिक्स क्वेश्चन पे द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ मोडगेज एंड द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड इज आप जब लोन लेने जाते हो तो आपको पूरा का पूरे जितना आपने अपनी प्रॉपर्टी दिखाई अमाउंट शो करा उतने का लोन नहीं मिलता आपको उससे लेस अमाउंट का लोन मिलता है तो जो बीच का गैप होता है उसे हम क्या कहते हैं तो देखिए सेंट्रल बैंक के आपके क्रेडिट कंट्रोल करने के क्वांटिटेटिव मेजर होते हैं आपके कमर्शियल जो सेंट्रल बैंक क्रेडिट कंट्रोल करता है और कुछ क्वालिटेटिव मेजर होते हैं तो ये सेंट्रल बैंक का एक क्वालिटेटिव मेजर होता है कि जब आपका लोन कुछ ज्यादा देना है इकोनॉमी में ठीक है फॉर एक्जाम्पल आपको क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा करना है पहले क्या था मैं पांच लाख की चीज आपसे रखवा रही थी प्रॉपर्टी मान लो फॉर एग्जाम्पल और आपको तीन लाख का लोन दे रही थी मैंने कहा भैया ये तीन लाख बहुत ज्यादा जा रहा है इकोनॉमी में इसको कम करो बीच का जो गैप था वो कितना था दो लाख ठीक है तो मैंने कहा इसको बोलते क्या पहले ये देख लो फिर समझाना आसान हो जाएगा दिस इज नोन एज मार्जिन रिक्वायरमेंट तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या हो गया दो लाख अब मैंने कहा ये पैसा तो ज्यादा जा रहा है इकोनॉमी में कम करो भाई तो मैंने क्या करा मार्जिन रिक्वायरमेंट को कितना कर दूं अगर ढाई लाख कर दूं तो यहां पे भी लोन कितना जाएगा ढाई लाख का वहीं अगर मैं कह रही हूं कि पैसा कम जा रहा है यानी आपने देखा कि जब इन्फ्लेशन का केस है पैसा कम करना है तो आपको क्या करना पड़ा मार्जिन रिक्वायरमेंट को ज्यादा करना पड़ा वहीं उल्टा जब इसको कम करना है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम करना पड़ेगा गैप को कम करना पड़ेगा भैया अब पांच लाख जो है प्रॉपर्टी रख के चार लाख का लोन दे दो लोगों को कोई बात नहीं एक लाख ही रख लो रिक्वायरमेंट मार्जिन रिक्वायरमेंट क्लियर ये हमने इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पैसा ज्यादा कम करने में भी मार्जिन रिक्वायरमेंट को कैसे डील करना है ये भी देख लिया नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी बाय आरबीआई इंक्लूड डैश एंड डैश मेजर्स मॉनेटरी पॉलिसी में क्या जाते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी में मैं अपनी बार अभी तक यूज कर चुकी हूँ वर्ड क्वांटिटेटिव मेजर भी जाते हैं और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव मेजर जाते हैं थोड़ा जल्दी देखते हैं मेन एम ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या है प्राइस स्टेबिलिटी लाना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना ट्रेड सरप्लस बढ़ाना या फिर टैक्स रेवेन्यू टैक्स का कोई मतलब नहीं है ट्रेड सरप्लस भी इससे डायरेक्टली क्या बढ़ेगा इंप्लॉयमेंट का ऐसा कोई रोल नहीं है भैया प्राइस स्टेबिलिटी आ जाए क्योंकि हम देख रहे हैं इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा भी ना जाए कम भी ना जाए इन्फ्लेशन भी ना आए डिफ्लेशन भी ना आए तो ये काम बेसिकली मोनिट्री पॉलिसी जो आर इंट्रोड्यूस करते हैं वो करती हैं क्लियर विच ऑफ द फ्लाइंग स्टेटमेंट इज इनकर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है पढ़ते हैं एक एक करके बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक गिव्स लोन टू कमर्शियल बैंक बिल्कुल सही बात है एक बार ये पढ़ लेते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट इज क्वालिटेटिव मिजर बिल्कुल सही अभी तो बताया आपको ऊपर सीआरआर एंड एसएलआर इज फिक्स्ड बाय आरबीआई ये भी पहले बता चुकी हूँ लेकिन अब ये लाइन पढ़ना फिस्कल पॉलिसीज यूज्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल क्रेडिट अभी तो बताया मॉनेटरी पॉलिसी यूज करती है आरबीआई फिस्कल पॉलिसी तो सरकार यूज करती है तो इसका ये स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट क्वेश्चन में पकड़ा करो पहले कि इनकरेक्ट बताना है या करेक्ट बताना है क्लियर सो so, यहाँ पे हम लोग 50 क्वेश्चन पे आ चुके हैं आप देख रहे हैं एक चैप्टर से ही हम इतने क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम रिमेनिंग चैप्टर जब ओवरऑल सब कुछ करेंगे तो कितने क्वेश्चन हमारे पास इकट्ठे हो जाएंगे क्रेडिट कंट्रोल में आपको क्या करना पड़ता है एक्सपेंशन करनी होती है पैसे की कॉन्ट्रैक्शन करनी होती है एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन दोनों या फिर कोई चेंज नहीं देखो पैसा बढ़ाना भी है कम भी करना है कभी ज्यादा जा रहा है तो कम करना है कम जा रहा है तो ज्यादा करना है तो मुझे तो भैया एक्सपेंशन भी करना है आरबीआई तो कोशिश करेगा कमर्शियल बैंक कि मार्केट में पैसा कंट्रोल में रहे तो ज्यादा भी ना हो और कम भी ना हो

विच ऑफ द फ्लाइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज बाई देंट्रल बैंक टू कंट्रोल क्रेडिट अभी आपको लिस्ट स्टार्टिंग में बताई थी देर आर समिटेटिव देर आर समिटेटिव क्वानिटेटिव में गया मार्जिन मॉरल कोटा वगैरह तो देखो क्या अलग सा आठपटासा लग रहा है मार्जिन रिक्वायरमेंट जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन जाता है बैंक रेट जाता है भैया बट गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है ये तो यहाँ पे नहीं जाता ठीक है मॉनिटरी पॉलिसी में सेंट्रल बैंक में ये नहीं जाता चेक एग्जाम्पल है फियाट मनी फिड्यूशरी मनी मिटल मनी पेपर मनी देखो पेपर मनी लग रहा होगा कि चेक पेपर होता है चेक एग्जाम्पल है फिड्यूशरी मनी का फिड्यूशरी मनी होती क्या है ये समझ लो फिड्यूशरी मनी वो मनी होती है जो पेयर और पेई के ट्रस्ट पे डिपेंड करती है अब पहली बार आपसे कोई सवाल लेके गया एक लाख का और आपको चेक देके जा रहा है सामान लेग आप लोड कर दो ये लो चेक एक लाख का क्या एक्सेप्ट कर लोगे आपको पता नहीं पर्सन कौन कहाँ से आया बैंक में पैसे है नहीं है चेक जमा कराऊं बाउंस हो जाए कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो क्या हम ऐसे चेक एक्सेप्ट करते हैं अननोइंग किसी भी अननोइंगली नहीं करते हैं तो चेक एक ऐसा डॉक्यूमेंट एक ऐसी मनी का फॉर्म है जिस जो लेने वाले पेयर और पेई दो पर्सन के ट्रस्ट पे डिपेंड करता है और इस टाइप के जो मनी होता है उसे हम क्या बोलते हैं फिड्यूशरी मनी बोलते हैं सो लास्ट क्वेश्चन मनी बैंकिंग का हम करेंगे उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अगले चैप्टर का श्री गणेश करेंगे तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं नियर मनी एसेट क्या होती है सो नियर मनी एसेट आर एसेट देखो मनी के बराबर में मतलब मनी जैसी ही एसेट तो नियर मनी एसेट वो एसेट होती है विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इन मनी जिसको हम मनी में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं क्लियर सो so, यहाँ पे हम लोगों ने मनी एंड बैंकिंग के 54 क्वेश्चन देख लिए हैं तीन पार्ट में हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है दो पार्ट ऑलरेडी आपके पास है आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी क्वेश्चन का कंटेंट क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा होगा हमने यहाँ पे एमसीक्यू से लेकर फिलअप से लेके करेक्ट इनकरेक्ट से लेके वन वर्ड से लेके सब कवर करने की कोशिश की है ये रीजनिंग असर्शन जो है उसके लिए मैंने बोला कि मैं सेपरेट कंबाइंड करके रीजनिंग असर्शन आपको प्रोवाइड करूंगी पूरी इकोनॉमिक्स के फॉर नवंबर एग्जाम सारे चैप्टर जितने भी आ रहे हैं मैं इकट्ठे ही एक सी, आ, सीरीज चलाऊंगी रीजनिंग असर्शन सीरीज फॉर इकोनॉमिक्स क्लास ट्वेल्व क्लियर और वो सीरीज भी ट्रस्ट में बहुत फ्रूटफुल रहेगी आप लोगों के लिए कंसेप्ट बेस एनालिटिकल बेस सब क्वेश्चन वहां डालूंगी मैं तो आज संडे स्पेशल सेशन पहला सेशन हमने इकोनॉमिक्स का ये पार्ट कंप्लीट किया नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग किसी और सब्जेक्ट की बहुत जल्द आप लोगों के साथ कवर करेंगे सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो